दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय भूषण ज्वेलर्स सोलन। पांवटा साहिब में पांवटा पुलिस ने गुरुवार देर रात बहराल नाके पर नाकाबंदी के दौरान दो लोगों बंटी पुत्र कैलाशी राम निवासी केदारपुर पांवटा साहिब और किशन लाल पुत्र जोनी निवासी धुतनपुर पांवटा को 200 नशीले कैप्सूल के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि दो लोग नशे की खेप को हरियाणा से पांवटा ला रहे हैं। सूचना मिलने पर पुलिस की टीम ने बहराल सीमा पर नाका लगाया और नाके के दौरान देर रात एक बाइक को हरियाणा से पांवटा आते हुए जांच के लिए रोका। इस दौरान बाइक की तलाशी के दौरान डिक्की में पॉलिथीन बैग से ट्रामाडोल के 20 स्ट्रिप्स यानी 200 कैप्सूल बरामद किए गए। इसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर इन्हें गिरफ्तार कर लिया। पिछले कल पुलिस स्टेशन पांवटा साहिब के अंतर्गत बहराल बैरियर पर नाके के दौरान जो पुलिस चेकिंग कर रही थी, तो इसी दौरान दो युवक जो कि मोटरसाइकिल में थे उनको रोका गया, चेक किया गया, तो उनके पोजीशन से 200 नशीले कैप्सूल बरामद हुए हैं जिस पर मादक द्रव्य पदार्थ अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया है और अन्वेषण जारी है। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए पांवटा साहिब से धीरज चोपड़ा की रिपोर्ट। पारंपरिक व आधुनिक आभूषणों को लेकर प्रदेश में ब्रांड बन चुका भूषण ज्वेलर्स सोलन अपने ग्राहकों के लिए विस्तृत रेंज उपलब्ध करवा रहा है। भूषण समूह लगातार 50 वर्षों से विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहा है और मात्र 5 वर्षों में ही आभूषणों की दुनिया में अपनी पहचान कायम कर चुका यह शोरूम अपने बेहतरीन डिजाइन के लिए ग्राहकों की पहली पसंद बन गया है। आभूषण चाहे सोने के हों या फिर हीरे व चांदी के, इनके डिजाइन का कोई सानी नहीं है। वैरायटी, विश्वसनीयता और ग्राहकों की उम्मीदों पर खरा उतरने का संकल्प लिए यह ब्रांड निरंतर सफलता के नए आयाम स्थापित कर रहा है। भूषण ज्वेलर्स के एमडी विनय गुप्ता का कहना है कि न्यू वैरायटी, न्यूनतम मेकिंग चार्जेस, ढेरों उपहार व शोरूम में अपनेपन का एहसास हमें अन्य ब्रांड से जुदा करता है। इसी वजह से आज हम ग्राहकों के दिलों पर राज कर रहे हैं। तो अगर आप भी आभूषण खरीदना चाहते हैं तो चले आइए आज ही भूषण ज्वेलर्स सोलन।